नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके समाचार। मैं हूँ आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देर साथ बने रहिए आपके समाचार पर। खबर दिखेगी सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ साधना शर्मा। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने से पहले आइए जानते हैं आज की ताजी और खास खबर। अभी अभी यूपी के स्कूलों में 15 दिन का अवकाश घोषित, जाने कब तक रहेंगी छुट्टियां। यूपी के प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी 2022 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के टाइम एंड मोशन स्टडी के आदेश के तहत पहली बार शीतकालीन अवकाश दिया जा रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए स्कूल किसी भी छात्र को आने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पहले अभिभावकों से सहमत लेनी होगी। शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा के आदेश पर गाइडलाइन जारी की गई है। यूपी के सभी बोर्डों के स्कूलों पर यह गाइडलाइन लागू होगी। परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों व DIOS को इसे सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को विकल्प के तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करानी होगी। यदि स्कूल में किसी को भी जुखाम, बुखार आदि के लक्षण दिखते हैं तो उसे डॉक्टरी सलाह के साथ उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोई भी आयोजन तब ही किया जाए जब उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सकता हो। यदि स्कूल में प्रार्थना सभा कराई जा रही है या किसी तरह की खेल कूद व सांस्कृतिक गतिविधि हो रही है तो उसे ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन कराया जाए। शिक्षकों व कर्मचारियों का टीकाकरण भी अनिवार्य रूप से कराया जाए। स्कूलों को रोज सैनिटाइज करना होगा। प्रवेश करते समय शिक्षकों, कर्मचारियों व छात्र छात्राओं की थर्मल स्कैनिंग की जाए। हैंड वॉश और हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था गेट पर ही की जाए। स्कूल की छुट्टी के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। विद्यालय के अंदर भी कम से कम 6 फीट की दूरी का पालन कराया जाए। स्कूली वाहनों को भी रोज सैनिटाइज कराया जाए। बसों आदि के अंदर भी शारीरिक दूरी तय की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपीएस समाचार। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।